गाइज, रिसेंटली रियलमी ने चाइना में अपनी एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि रियलमी के कौन कौन से डिवाइसेज में एंड्रॉयड 11 का अपडेट हमें देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रियलमी 3 प्रो को सबसे ऊपर रखा गया है, यानी कि रियलमी 3 प्रो में आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी 3 प्रो में हमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, उसी के साथ क्या क्या नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड्रॉयड 11 के अपडेट में। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए बात करते हैं एंड्रॉयड 11 के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला और न्यू फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है NFC के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र का सपोर्ट। अब आप अपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर बहुत ही ईजिली फाइल्स को ट्रांसफ़र कर पाएंगे NFC के थ्रू। उसी के साथ इसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन दी जाएगी एंड्रॉयड 11 के अपडेट में, और ये एंड शेयर इट से 3 टाइम्स बेटर होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। यानी कि अब आप अपने किसी भी फाइल को, किसी भी बड़ी फाइल को बहुत ही ईजिली ट्रांसफ़र कर पाएंगे बहुत ही फास्ट वे में। उसी के साथ यहाँ पे दूसरे नए फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो वो आपको मिल जाता है यहाँ पे डार्क मोड का। हालांकि जो डार्क मोड का फीचर है वो आपको एंड्रॉयड 10 में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो एंड्रॉयड 11 आएगा उसके अंदर आपको इसको ज़्यादा कस्टमाइज़ किया जाएगा। उसी के साथ डार्क मोड के अंदर एक और मैनुअल फीचर आपको देखने को मिलेगा जो है यहाँ पर शेड्यूलिंग मोड। जी हाँ, आप अपने डार्क मोड को जो है वो शेड्यूल कर पाएंगे अपने हिसाब से। यानी कि अगर आप को नाइट में जो है डार्क मोड को एक्टिवेट नहीं रखना है तो आप इसको ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है नाइट में ऑफ हो जाएगा, और डे में अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो ऑन हो सकता है, या फिर ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ हो सकता है। तो ये ऑटोमेटिक जो है आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली अपना जो भी डार्क मोड है वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ नया फीचर जो है एंड्रॉयड 11 में आपको देखने को मिलने वाला है। अगले नए फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको मिल जाता है गेस्चर्स का सपोर्ट। जी हाँ, कुछ नए गेस्चर्स आएंगे, उसी के साथ आप जो है कुछ गेस्चर्स को ऑटो यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जी हाँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने उस गेस्चर को रखना चाहें उस तरह से जो है आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा है। अगर आप कोई भी प्री यहाँ पे इंस्टॉल्ड गेस्चर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर रहने वाला है एंड्रॉयड 11 का। अगले फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको इनबिल्ट एक नया स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात लगी है मुझे। काफ़ी सारे फ़ोन्स में अभी तक भी स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एंड्रॉयड 11 के अपडेट के बाद में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर इनबिल्ट देखने को मिलेगा। चाहे वो कोई भी फ़ोन ले लीजिए आप, जिसमें भी आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलेगा उसमें आपको यहाँ पर इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलने वाला है। अगले फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो वो मिलता है यहाँ पर आपको स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट का फीचर। जी हाँ, काफ़ी सारे फ़ोन्स में ये फीचर पहले ही अवेलेबल है, रियलमी में और शाओमी में काफ़ी सारे फ़ोन्स में अवेलेबल है, और यहाँ तक कि जो सैमसंग के फ़ोन्स हैं उनमें भी अवेलेबल है। लेकिन कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो अभी तक इस फीचर को नहीं देते हैं स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट को, लेकिन एंड्रॉयड 11 में ये फीचर जो है आपको इनबिल्ट देखने को मिलेगा। जिन भी फ़ोन्स में एंड्रॉयड 11 का अपडेट आएगा उसमें ये फीचर प्रीलोडेड देखने को आपको मिलने वाला है, चाहे कोई भी कस्टम UI हो उसके अंदर, लेकिन इसमें आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगले फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो ये है सिक्योरिटी पर्पस को लेकर, और जो एंड्रॉयड 11 आएगा उसमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी होने वाली है, और एंड्रॉयड ने भी ये क्लियर कर दिया है कि सिक्योरिटी को लेकर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसीलिए वो हर यहाँ पे हर पर मंथ अपना जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो अपडेट करते रहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर जो सिक्योरिटी है एंड्रॉयड 11 में वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, यहाँ पर iOS के बराबर ऑलमोस्ट यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो एंड्रॉयड 11 में होने वाली। तो यही सारे फीचर जो है वो एंड्रॉयड में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी कुछ नए फीचर्स आएंगे, वो आने के बाद ही पता चल पाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने मेन यहाँ पे पॉइंट की तरफ कि जो रियलमी के स्मार्टफोन्स हैं उनमें हमें ये अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। हालांकि जो एंड्रॉयड 11 का अपडेट है वो फिलहाल बीटा में चल रहा है, वो भी सिर्फ यहाँ पर गूगल के पिक्सल फोन्स के लिए, पिक्सल के कुछ फ़ोन्स में, एक दो फ़ोन्स में आया है, लेकिन अभी तक कोई भी इसकी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि कब तक ये अपडेट आएगा। फिलहाल यहाँ पर जो एंड्रॉयड 10 का अपडेट है वो सभी फ़ोन्स को नहीं मिला है, तो एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलेगा उसके बाद ही एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलेगा। यानी कि अगर मैं आपको एक एस्टिमेट टाइम बताऊं तो एस्टिमेट टाइम के हिसाब से यहां पे जो ये अपडेट है वो सितंबर 2020 से आना स्टार्ट होगा पब्लिक बीटा में। जी हां, बीटा में आने के बाद उसके बाद यहां पे टाइम लगने वाला है। यानी कि आपको रियलमी के स्मार्टफोन्स में ये अपडेट जो है वो 2021 के स्टार्टिंग से, यानी कि 2020 में तो अभी आपको एंड्रॉयड 10 मिल रहा है, लेकिन 2021 के स्टार्टिंग से रियलमी 3 प्रो या फिर रियलमी के जो भी स्मार्टफोन्स हैं और जो भी आगे लॉन्च होंगे उन सभी में आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय गाइज़।